इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, हंगामे के चलते राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। बचे हुए सत्र के लिए ये 34 सांसद निलंबित हैं। इससे पहले आज लोकसभा के अंदर भी कई सांसदों को निलंबित किया गया, जिनकी संख्या भी 30 से ज्यादा है। कुल 31 सांसद, जहां तक मेरी जानकारी है, 31 सांसद लोकसभा से, 33 सांसद आज निलंबित किए गए हैं और संसद से कुल अब तक 81 सांसद निलंबित किए गए हैं। राज्यसभा से आज 34 सांसद निलंबित, बचे हुए सत्र के लिए 34 सांसदों को निलंबित किया गया है। सीधे चलते हमारे सहयोगी रवि के पास। रवि, क्या मामला था और एक साथ 81 सांसदों को सस्पेंड कर देना, क्या यह मुद्दा नहीं बनेगा? मुद्दा बनेगा। देखिए, जब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष इतना ही जानना चाहता है कि आखिरकार गृह मंत्री अपना स्टेटमेंट इस मसले पर क्यों नहीं दे रहे हैं, संसद में जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई है। और दीपक जी, आप जानते हैं, आपके समय की बात है, हवाला ये दिया जा रहा है कि 2001 में जब संसद पर अटैक हुआ था तो उस समय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे और लालकृष्ण आडवाणी ने बकायदा इस मामले पर स्टेटमेंट दिया था और साथ ही साथ उस पर चर्चा भी हुई थी। तो आखिर सरकार क्यों भाग रही है चर्चा से? आखिर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब इस मामले को ओन करके इसको बचना चाहते हैं, क्यों इससे बचना चाहते हैं? तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और जाहिर सी बात है, देखिए 3 महीने के बाद चुनाव होना है और अब जो है ये आखिरी सेशन एक तरह से मान लिया जाए। अगला सेशन जो होगा वोट एंड अकाउंट का सेशन होगा, उसमें बहुत चर्चा की उम्मीद नहीं रहेगी। सिर्फ बजट पेश होगा, पास होगा और साथ साथ उसमें आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होकर पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव में जाना है दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को। विपक्ष चाहेगा कि उसको एक मुद्दा हाथ लगा है विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सुरक्षा को लेकर। आप कश्मीर में इतनी बड़ी बात कहते हैं, देश की सुरक्षा की बात कहते हैं और संसद में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और साथ साथ संसद में जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। पहले 14 को किया गया, फिर लोकसभा से आज 33 सांसदों को किया गया, फिर राज्यसभा से तमाम सांसदों को किया जा रहा है 34 सांसदों को सस्पेंड। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात जाएगी कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है। भले ही आप सरकार चला रहे हैं, आप चुनाव में जीत रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के एक्शन लेने को लेकर कोई ना कहीं लोगों के मन में एक भावना आती है कि आखिरकार सरकार इस तरह के स्टेप्स क्यों ले रही है। तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और जनता के बीच में जाएगा। कल भी हंगामा होगा, हो सकता है कल बैठक भी है इंडिया गठबंधन की, उसके बाद CWC की बैठक 21 तारीख को है कांग्रेस पार्टी की, तो इस बात को जनता तक ले जाएगा विपक्ष। अब जनता कितना इसको मानती है नहीं मानती है जनता पर निर्भर करता है। ठीक है, रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस मामले में क्या अपडेट? देखिए दीपक जी, आज जो पहले लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित किया गया, वजह वही सरकार की तरफ से बताया गया कि ये वेल में आ रहे थे, प्ले कार्ड लेकर आ रहे थे और इसके कारण से इन सभी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। उन 33 में 3 ऐसे सांसद थे जिनका मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया, क्योंकि ये तीनों ये चले गए थे आसन के करीब चले गए थे। तो 33 लोकसभा से आज सस्पेंड हुए हैं, जिसमें 3 का मामला प्रिविलेज में गया और अब से थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा में जो अभी तक जानकारी मिल रही है 45 सांसदों को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए, जिसमें 11 का मामला प्रिविलेज कमेटी को गया है। हालांकि ये संख्या एक दो और बढ़ सकती है क्योंकि स्पष्टता अभी नहीं है। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 92 सांसदों को पिछले 2 फ्राइडे और आज मिला दिया जाए तो 92 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया है। वजह बताई गई है हंगामा करना, वेल में जाना, प्लेकार्ड दिखाना और आसन तक जाना। और विशेषाधिकार समिति को दिया गया है, तो क्या विशेषाधिकार समिति में अगर मामला जा रहा है तो फिर तो इनके सदस्यता को खत्म करने की चेतावनी भी दी जा सकती है, किया भी जा सकता है? अब बिल्कुल, जो 11 सांसदों का जो मेरे पास सूची है दीपक जी, जैसे JP माथर हैं, L हनुमंतैया हैं, नीरज जांगी, GC चंद्रशेखर, ऐसे जो सांसद हैं राज्यसभा के जिनको आज सस्पेंड भी किया गया है और जिनका मामला प्रिविलेज में गया है, प्रिविलेज कमेटी देखेगी, इनके कंडक्ट को देखेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी। तो ऐसे में इनकी सदस्यता, चूंकि राज्यसभा है, इनको लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनके बचा हुआ जो टर्म है उस पर संकट पैदा हो सकता है। अगर प्रिविलेज कमेटी इनके एडवर्स में कोई रिपोर्ट देती है और सदन उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिलहाल तो इनको सस्पेंड किया गया है पूरे सत्र के लिए और 11 सांसदों का मैटर जो राज्यसभा में अभी सस्पेंड हुए हैं इनको प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि और रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।